हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राज गुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर बिजनेस लॉस। ठीक है, ये इसके लिए मैं कल्याणी पब्लिकेशन की केसी गर्ग की बुक फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, इसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आज हम शुरू कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर जितने भी चैप्टर्स आते हैं हम लोग वन बाय वन करेंगे। जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की इंट्रोडक्शन, इसमें प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, उसकी कौन कौन सी पार्टीज हैं, किस तरह से इसको प्रेजेंट करते हैं, नेगोशिएशन कैसे होती है और पार्टीज को डिस्चार्ज किस तरह से किया जाता है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है तो क्या प्रोविजंस है, देन बैंकर और कस्टमर का क्या रिलेशन है, एंड एट द लास्ट हुंडीज क्या होती हैं। तो वन बाय वन हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है और इंट्रोडक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, उसकी फीचर्स एंड प्रेजम्पशंस। चलिए शुरू करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सबसे पहले एक्ट है कौन सा, इट इज इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। मींस ये जो एक्ट है 1 मार्च 1881 को जो है लागू हुआ, और ये एक्ट पूरे इंडिया में अप्लाई होता है और इसमें 147 सेक्शंस है। जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो मेनली इसमें आते हैं प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। इसके अलावा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसमें नेगोशिएबिलिटी की फीचर है वो भी हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर ही कंसिडर करते हैं। हाँ जी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? नेगोशिएबल, इसके नाम से ही पता चलता है कि वो इंस्ट्रूमेंट जिसको हम इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट इज नोन एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो नेगोशिएबल मींस जिसको ट्रांसफर किया जाता है। अब जो नेगोशिएशन है वो दो तरह की है, एक है ऑर्डर और सेकेंड इज बेयरर। हाँ जी, ऑर्डर ट्रांसफर का मतलब है कि जैसे ए ने बी को चेक दिया, उस पर उसने मतलब ऑर्डर वर्ड किया, चेक पे ऑर्डर और बियरर लिखा होता है। अगर उसने ऑर्डर को टिक कर दिया और बी को चेक दिया है तो इट मींस ओनली बी कैन टेक द डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसकी जो पेमेंट है वो सिर्फ बी ही ले सकता है। बट अगर उसने बेयरर को टिक कर दिया, ए ने चेक बी को दिया और उसने बेयरर को टिक कर दिया, इट मींस कि वो बेयरर चेक है। इसका मतलब है कि अगर वो चेक बाय चांस रास्ते में गिर भी जाता है, बी की जगह उसे सी ने उठा लिया, तो सी जो है उसकी पेमेंट ले सकता है, बिकॉज दैट इज अ बेयरर चेक। ऑर्डर और बेयरर का डिफरेंस यही है कि जो ऑर्डर चेक है वो ट्रांसफर होगा बाय डिलीवरी, ठीक है, नेगोशिएशन एंड डिलीवरी, और जो बेयरर है वो ट्रांसफर होगा बाय डिलीवरी ओनली। हाँ जी, फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, सबसे पहले प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जिसके पास भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो ये माना जाएगा कि वो उसका ओनर है। जैसे ए के पास चेक है, ए ने चेक बी को दिया, हम ये मान के चलते हैं कि ए जो है उस चेक का ओनर है। ठीक है जी, तो अब पॉइंट फिर वही आ गया कि अगर वो चेक बेयरर है, ठीक है, तो ओनली बाय डिलीवरी हम उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हमने ट्रांसफर करना है तो इसके लिए किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेयरर चेक है तो उसकी प्रॉपर्टी पास होगी जब उसकी डिलीवरी दे दी जाएगी। ठीक है, जैसे उसने ए ने बी को दे दिया तो वो ट्रांसफर हो गया। बट अगर वही इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर है तो उसके लिए आपको इंडोर्समेंट भी करनी होगी और चीज की डिलीवरी भी करनी होगी, तभी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। ठीक है जी, नेगोशिएबिलिटी, नेगोशिएबिलिटी का मतलब है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, अगर चेक बेयरर है तो वो ट्रांसफर बाय डिलीवरी होगा, अगर ऑर्डर है तो इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी होगा। इंडोर्समेंट क्या है, उस इंस्ट्रूमेंट की बैक पे जो है पोसेसर जो है दो साइन करता है, उसको इंडोर्समेंट कहा जाता है।
गुड टाइटल, गुड टाइटल का मतलब ये है कि अगर जिस पर्सन को डिलीवरी दे दी गई है, ठीक है, अगर उसने बोनाफाइड ली है, ठीक है, गुड टाइटल ट्रांसफर होगा, ठीक है जी। गुड टाइटल मींस जैसे ए ने चेक बी को दिया है, ठीक है, ए ने अगर वो चेक रास्ते से उठाया है, अब ए जो है उसका टाइटल गुड नहीं है, बट अगर उसने बी को दिया है फॉर कंसिडरेशन दिया है, अब जो बी ने लिया है इंस्ट्रूमेंट वो गुड फेथ में लिया है, तो उसका टाइटल गुड माना जाएगा, किसका, बी का, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की खासियत है कि जो ट्रांसफरर होता है वो अगर ट्रांसफररी को कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है, ट्रांसफर करता है, और जो ट्रांसफररी है उसने उसको गुड फेथ में लिया है, ठीक है, और फॉर कंसिडरेशन लिया है, और उसको इस चीज की नॉलेज नहीं है कि जो ट्रांसफर कर रहा है उसका टाइटल क्या है, इवन देन जो बी का टाइटल होगा वो गुड टाइटल। यहाँ पे टाइटल का मतलब क्या है, टाइटल का मतलब ओनरशिप है, तो बी की ओनरशिप सही होगी, कल को कोई बी से वापिस नहीं ले सकता इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। राइट टू स्यू इन ओन नेम, ठीक है, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय चांस डिसऑनर हो जाता है, तो जो ट्रांसफररी है उसके पास राइट है कि वो उसके लिए स्यू कर सकता है। अब ए ने बी को चेक दिया, बी को चेक देने के बाद बी जो है बैंक में गया, चेक डिसऑनर हो गया, अब बी क्या कर सकता है, ए को स्यू कर सकता है, किस लिए स्यू करेगा, क्योंकि उसकी उसको पेमेंट नहीं हुई है। प्रजम्पशन, हम लोग नेगोशिएबल के केस में कुछ प्रजम्पशंस लेके चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि अगर ए ने बी को चेक दिया है तो बी ने उसका कंसिडरेशन पे कर दिया है, ठीक है, और वो जो कंसिडरेशन पे किया है वो रीजनेबल टाइम के अंदर पे किया है, मींस हम लोग ये मान के चलते हैं, इसके लिए लिख के देने की जरूरत नहीं होती। प्रॉम्प्ट पेमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंश्योर करता है कि होल्डर प्रॉम्प्ट पेमेंट भी, उसकी पेमेंट प्रॉम्प्ट हो चुकी है, ठीक है जी। राइटिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिटर्न होना जरूरी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे जो मेकर है उसके साइन होने जरूरी है। हाँ जी, मैंने अभी वर्ड यूज किया था प्रजम्पशन, प्रजम्पशन का मतलब हम कुछ अज्यूम करके चलते हैं, प्रज्यूम करके चलते हैं कि इसमें ये चीज डेफिनेटली होगी। क्या चीजें, जैसे कंसिडरेशन है, जैसे कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जब वो ड्रॉ किया गया, ठीक है, एक्सेप्ट किया गया, इंडोर्स किया गया, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी काम किया गया दैट इज फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मीनिंग आपको पता है, ठीक है, कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न, कि किसी चीज के बदले में, जैसे ए ने गुड्स सेल की बी को, बी ने उसके बदले इसको क्या दिया, चेक दिया, चेक क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, हम अज्यूम कर रहे हैं, और इसमें तो डेफिनेटली हुआ है कि ए ने सेल की और बी ने चेक दिया, तो हम अज्यूम करके चलते हैं जब भी कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, इंडोर्स किया जाता है, दैट इज फॉर कंसिडरेशन, ठीक है। जो डेट उस पे मेंशन की गई है हम प्रज्यूम करके चलते हैं कि ये उसी डेट को ड्रॉ किया गया, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा हम ये मान के चलते हैं कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको प्रॉपर एक्सेप्ट किया गया और विद इन टाइम एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। अगर एक्सेप्टेंस पे डेट मेंशन नहीं की है तो हम ये मान के चलते हैं कि विद इन रीजनेबल टाइम एक्सेप्ट किया गया, अगर उस पे कोई डेट मेंशन की गई है तो ऑब्वियस है कि उस डेट को ये जो है एक्सेप्ट किया गया। टाइम ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि जो ट्रांसफर किया गया बिफोर मैच्योरिटी किया गया, मैच्योरिटी से पहले उसको ट्रांसफर किया गया, इसका मतलब क्या है, जैसे हमने 1 मार्च को, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉ किया, ठीक है, ए ने ड्रॉ किया, बी को ट्रांसफर कर दिया, हुआ क्या, अब बी ने आगे उसकी ड्यू डेट क्या है, 3 मंथ्स के लिए इसको किया गया, ठीक है, अप्रैल मई जून, 3 जून इसकी जो है ड्यू डेट आएगी, ठीक है, 3 दिन ग्रेस के 4 जून आएगी। अब बी ने सी से
गुड्स बाय की। अब सी को पेमेंट करने की बजाय बी ने क्या किया, कब उसको वही जो बिल ऑफ एक्सचेंज उसने ए से लिया था वो सी को ट्रांसफर कर दिया। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो सी को ट्रांसफर किया गया बिफोर 4 जून किया गया, उसकी मैच्योरिटी डेट से पहले। मैच्योरिटी डेट पता चल गई जब वो ड्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज कितनी देर का है, 3 महीने का लिखा है, तो 3 महीने के बाद उसकी मैच्योरिटी डेट आएगी। और अगर वो उससे पहले ट्रांसफर करता है तो हम मान के, क्योंकि 4 जून के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट, ठीक है, अंटिल द कंट्रेरी इज प्रूव्ड इट इज अज्यूम्ड दैट इंडोर्समेंट्स जो की गई हैं वो उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में वहां पे अपेयर हो रही हैं। कैसे, जैसे जो बैग पे मैंने बताया आपको चेक की जो बैग है वहां पे साइन किए जाते हैं तो उसको इंडोर्समेंट कहते हैं। जैसे ए ने बी को चेक दिया, बी ने आगे सी को ट्रांसफर करना है तो वहां पे पहले बी ने साइन कर दिए, फिर सी ने आगे डी को दे दिया तो सी ने वहां पे साइन कर दिए। अब मान लो डी ने भी आगे जो है ई को दे दिया तो डी ने साइन। अब जिस सीक्वेंस में साइन हुए हैं हम ये मान के चलते हैं उसी सीक्वेंस में इंडोर्समेंट की गई है। इंडोर्समेंट मीन्स ट्रांसफर किया गया है। स्टैंप, हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, इसको ड्यूली स्टैंप यहाँ पे लगानी जरूरी होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, तो मान के चलते हैं कि उसको ड्यूली स्टैंप किया गया है। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स आ गया। होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है, ये पूरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग बार बार ये वर्ड सुनेंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स। कौन है, जो भी होल्डर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का हम ये मान के चलते हैं कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। होल्डर इन ड्यू कोर्स वो कब बनता है, जब वो इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसिडरेशन, पहला केस है कि उसने जो इंस्ट्रूमेंट लिया दैट इज फॉर कंसिडरेशन है, सेकेंड है कि उसने गुड फेथ में लिया है, ठीक है जी, और कंसिडरेशन में लिया और बिफोर मेच्योरिटी लिया। अगर कोई पर्सन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है तो हम ये मान के चलते हैं कि उसके पास वो जो होल्डर है होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ठीक है। जैसे ए ने बी को कोई इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया, अब बी ने फॉर कंसिडरेशन लिया, पहली बात है कि उसने गुड्स के बदले लिए, सेकंड है कि उसने गुड फेथ में लिया, उसको नहीं पता कि ए का इंस्ट्रूमेंट अपना है कि उसने कहीं से लिया है या चुराया है या रास्ते से उठाया। बी को ये है कि वो इंस्ट्रूमेंट ए ने दिया तो ए का ही इंस्ट्रूमेंट है, मीन्स वो गुड फेथ में ले रहा है। और थर्ड पॉइंट है बिफोर मैच्योरिटी, जो मैंने आपको ऊपर समझा दिया कि वो मैच्योरिटी डेट से पहले आया है, तो बी क्या माना जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब वो सही होल्डर माना जाएगा, ठीक है। अब मान लो ए ने गुड फेथ में नहीं लिया, ए ने रास्ते से उठाया, अब जिसका भी वो इंस्ट्रूमेंट है, सी का इंस्ट्रूमेंट है, सी बी के पास आके कहता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये मेरा है, इसको रास्ते में गिर गया था, ए ने उठा के आपको दे दिया, इवन देन बी उसका गुड होल्डर माना जाएगा, मीन्स सी हालांकि वो एक्चुअल ओनर है पर वो बी से वापिस इंस्ट्रूमेंट नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि बी होल्डर इन ड्यू कोर्स है। बी होल्डर इन ड्यू कोर्स क्यों है, क्योंकि वो तीन कंडीशंस को पूरा कर रहा है, पहली कंसिडरेशन की, दूसरी गुड फेथ की और तीसरी बिफोर मैच्योरिटी की। प्रूफ ऑफ प्रोटेस्ट, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है तो कोर्ट में जाके उसको नोट करवाना होता है, उसको नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग कहा जाता है, ठीक है। तो वहां पे मतलब प्रोटेस्ट जो है ये मानी जाएगी, जो प्रोटेस्ट वर्ड यूज किया गया है वो एक एविडेंस है कि इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी डिसऑनर हो चुका है, ठीक है जी। तो ये प्रजम्पशंस हैं जो हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था जिसमें हमने किया फीचर्स एंड प्रजम्पशंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसको ध्यान से करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसमें तीनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, तो वन बाय वन हमने करना है।
वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। हमेशा खुश रहें। थैंक यू।